you guys, welcome back to my channel. How are you all doing? I hope well and good, because you know why, that is the most important thing. Aaj hum kuch bahut hi fun karne wale hain, aur wo ye hai ki aaj hum apne awards denge, which are called footwear awards. Now filmfare and football ko combine karke bana footwear. I know how it sounds, but trust me, it's going to be so much fun. Footwear award ki categories jo hone wale hain, wo hone wale jaise best dialogue, best choreography, best storyline, best director, things like that. Footwear awards ke kuch rules and regulations hai, wo ye hain. It's just for fun. तो जितना भी हम मजा कर सकते हैं इस वीडियो में, we'll try and do that. Second thing is that इसमें प्रीमियर लीग का मैच वीक 14 जो भी खत्म हुआ है उसके रिलेटेड अवार्ड्स दिए जाएंगे. Third thing is that I would love it if you guys comment below and let me know तुम लोग वो अवार्ड किसको दोगे, because come on, उसी से ये फन होने वाला है. And I think let's just get into the video now. पहली कैटेगरी है बेस्ट कोरियोग्राफी की, विच ऑल्सो मीन्स बेस्ट सेलिब्रेशन, जो कि ये पिछले मैच वीक 14 में रहा है. डू कॉमेंट बिलो वॉट यू थिंक अबाउट इट. लेकिन मेरे लिए एक क्लियर कट विनर है इसमें, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो. कम ऑन हिम डूइंग दैट सो विद हिज टीममेट्स लास्ट नाइट अगेंस्ट आर्सेनल. Had me, it had to be Cristiano Ronaldo. तो तुमको जो लगता है विनर होना चाहिए इसका, डू कॉमेंट बिलो. मूविंग ऑन टू द सेकेंड अवार्ड, एंड दैट इज बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड. आई हैव अ क्लियर विनर फॉर दिस एज वेल, एंड द अवार्ड गोज टू ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड. इसके पीछे एक बहुत ही हॉरिफाइंग स्टोरी है, और वो ये है कि एवा वाइट, एक 12 साल की लड़की, शी वॉज स्टैब्ड टू डेथ इन लिवरपूल. तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 12th मिनट में लिवरपूल वर्सेज एवर्टन मैच में उनको एक राउंड ऑफ अप्लॉज दिया गया था, एंड ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने भी उस बच्ची को ट्रिब्यूट दिया बाई वेयरिंग दैट टी शर्ट, RIP एवा वाइट. मे दिस लिटिल गर्ल सोल रेस्ट इन पीस. Moving on to the third award, and that is called Special Award. Now, I have a clear winner for this as well. This award goes to Marcus Alonso. Chelsea versus Watford ka match tha, and Marcus Alonso ne sahi time pe referee ko inform kiya about this fan jisko cardiac arrest hua, aur usko sahi time pe treatment diya jaye. To uski wajah se ye Special Award Marcus Alonso ko for sure milna chahiye. Aaj ka fourth award hai Best Storyline Award. To jis bhi fixture ka pura story 90 minute ka bahut hi badhiya raha, ye award usko diya jayega, and this award goes to Newcastle versus Norwich City. Now why do I say that? Because 9th minute mein Newcastle ko red card mil gaya, and they had the rest of the match to go on, and we know Newcastle ka kaisa form chal raha hai, they're not able to win a match. Aur uske beech mein this match ended in a 1-1 draw, aur wo bhi kaise? 9th minute mein jab inko red card mila, uske baad 45 minutes tak koi goal nahi hua, then second half mein ek penalty mila, wo bhi Newcastle United ko. Penalty convert ho gaya, lag raha tha ki match pura Newcastle ke haath mein hai, lekin then Norwich ने 80th मिनट पे इक्वलाइज कर दिया. बट कम ऑन, न्यूकासल को पूरा क्रेडिट देना चाहिए फॉर डिफेंडिंग दैट वेल एंड एंडिंग अप इन अ ड्रॉ आफ्टर अ 9th मिनट रेड कार्ड. सो इट्स अ कमेंडेबल जॉब दैट दे डिड, विच इज व्हाई आई फील दैट न्यूकासल वर्सेस नॉर्विच सिटी का जो स्टोरी लाइन रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है. तो ये अवार्ड डेफिनेटली इस पिक्चर को मिलना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड, एंड दैट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. अब इस अवार्ड में आई एम कंफ्यूज बिटवीन टू पीपल. डू कॉमेंट बिलो वॉट डू यू थिंक, किसको जाना चाहिए. मैं तो भाई दोनों को ही देने वाली हूँ. तो जो फर्स्ट पर्सन है जिसके लिए ये अवार्ड जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. कम ऑन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ब्रेकिंग रैकेट्स आफ्टर रैकेट्स. 800 गोल्स, 801 हो गए थे कल ही, 800 गोल्स या पूरा जो प्रोफेशनल करियर में मारा है. इवन दो पहले वगैरह ने 1000 प्लस गोल्स मारे हैं, बट दैट इंक्लूड्स द फ्रेंडली मैचेस एज वेल. ये रोनाल्डो ने अपने प्रोफेशनल करियर में पूरे 800 गोल्स मारे, दैट्स ह्यूज. एंड आई एम श्योर कि वो 1000 गोल्स है तो आराम से पहुंच सकता है, नो डाउट अबाउट दैट. रोनाल्डो एनीवेज टॉप्स द इंटरनेशनल रिकॉर्ड एज वेल, और अभी 800 गोल्स, दैट्स ब्रिलियंट, सीरियसली ब्रिलियंट. तो मेरे लिए पहला जो बंदा है जिसको ये अवार्ड जाता है वो है ये, और दूसरे हैं पेप गार्डियोला. पेप गार्डियोला हैज बिकम द फास्टेस्ट मैनेजर टू विन 150 प्रीमियर लीग गेम्स इन 204 मैचेस. अब उन्होंने किसको बीट किया है इमेजिन करो. उन्होंने जोसे मोरिनियो को बीट किया है जिनका रैकेट था 150 प्रीमियर लीग विंस इन 230 मैचेस, एंड पेप गार्डियोला डिड दैट इन 204 मैचेस. इनक्रेडिबल, सीरियसली इनक्रेडिबल. सो मेरे लिए इन दोनों को ही ये अवार्ड देना चाहिए. तुम्हारे लिए किसको देना चाहिए, डू कॉमेंट बिलो. लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ अवार्ड, एंड दैट इज द बेस्ट डायलॉग अवार्ड. मेरे लिए ये अवार्ड जा रहा है मोहम्मद सलाह को. लिवरपूल जब 1-4 से जीता अगेंस्ट एवर्टन, तो आफ्टर द मैच जब मोहम्मद सलाह से पूछा गया व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिज रैंकिंग इन दिस बैलन डी'ओर अवार्ड एंड ही स्टूड 7th, तो मोहम्मद सलाह ने बोला नो कॉमेंट्स. I think those two words said it all. So best dialogue for me goes to Mohamed Salah, no doubt. Moving on to the next award, and that is best comedy scene award. इसके लिए भी एक clear winner है,
और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर। लिसन, आई नो फ्रेड हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, और मैंने अपने प्रीवियस मैच में चेल्सी के अगेंस्ट भी यही बोला था जब यूनाइटेड का मैच था अगेंस्ट चेल्सी, दैट फ्रेड का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था एंड ही हैज बीन लाइक थ्राइविंग अंडर दिस यूनाइटेड टीम, स्पेशली इन दीज डेज। अब हुआ ये था, आर्सेनल वर्सेज मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच था और 13th मिनट पे आर्सेनल को एक कॉर्नर मिला था और वो कॉर्नर को डिफेंड करते करते फ्रेड आई थिंक डेविड डेहा के पैर पे चढ़ गए। डेविड डेहा काफी पेन में थे एंड उसी टाइम एमिल स्मिथ रो के पास बॉल आया एंड ही स्कोर्ड फ्रॉम दैट। काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बोल तो ये डेफिनेटली है, बिकॉज डेविड डेहा जब इतने पेन में थे तो शायद मैच रुक जाना चाहिए था उस टाइम पे एंड गोल नहीं काउंट होना चाहिए था, बट देन वार चेक हुआ था जिसके हिसाब से दे थॉट दैट यू नो एमिल स्मिथ रो का ये गोल स्टैंड करता है एंड ये स्टैंड करा था गोल। बट अगर पूरे सिनेरियो का बात करें सो इट वॉज क्वाइट फनी, विच इज वाई आई फील दैट फ्रेड को ये वाला अवार्ड डेफिनेटली मिलना चाहिए। मूविंग ऑन टू सेकंड लास्ट अवार्ड, वो ये है बेस्ट एक्शन अवार्ड, विच मीन्स बेस्ट गोल अवार्ड एज वेल। मेरे लिए इसमें काफी लोग आएंगे। फर्स्ट है नील मोपे, जिन्होंने वेस्ट हैम के अगेंस्ट वो गोल किया, दैट वॉज अ थंडरिंग गोल, बहुत अच्छा गोल था उनका। सेकेंड जो है वो है मोहम्मद साला, जो उनका सेकेंड गोल था मोहम्मद साला का, जिन्होंने अकेले जाके वो जो गोल करा है जिस तरीके से करा है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है बाय द वे वो गोल। यू कैन वॉच माई रिएक्शन वीडियो एवर्टन वर्सेज लिवरपूल, उसमें मैंने पूरा गोल एक्सप्लेन किया है। आई फील मोहम्मद साला डिजर्व्स दैट सेकेंड गोल के लिए दैट ही डिड। जो थर्ड प्लेयर हैं जो डिजर्व करते हैं वो है रॉड्री, मैनचेस्टर सिटी का मैच था अगेंस्ट एस्टन विला एंड दैट वॉज अ रॉकेट ऑफ गोल दैट रॉड्री स्कोर्ड, वेरी वेरी गुड। एंड जो फोर्थ हैं लास्ट जो मुझे लगता है डिजर्व करते हैं वो है डियोगो जोटा। डियोगो जोटा का फर्स्ट गोल एंड लिवरपूल का दैट वाज फोर्थ गोल अगेंस्ट एवर्टन, अगर तुम उसको देखो द कंट्रोल ऑन द बॉल एंड द वे ही स्मैश्ड दैट इनटू द नेट, आई थिंक इट इज वर्थ ऑफ ऑल द प्रेज। तो मेरे लिए ये चार लोग रहेंगे इन दिस बेस्ट एक्शन अवार्ड, बट तुम्हारे लिए कौन रहता है लेट मी नो अबाउट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। बट इज देयर अ क्लियर विनर इन दिस बेस्ट एक्शन अवार्ड? Yes, there is, and come on, it has to be Mohamed Salah. Just look at that second Mohamed Salah's goal, and it was third Liverpool's goal that they did against Everton. That was so damn good, which is why I will give it to Mohamed Salah this time. Moving on to the last award, and that is Best Director Award. इसके लिए मेरे पास एक clear winner है, और वो है Jurgen Klopp. I know, बहुत सारे लोग इसमें बोलने वाले हैं कि यू नो आई एम बायस, कोई और भी हो सकता था ये सब करके, लेकिन आई विल डेफिनेटली गिव यू माय एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस अवार्ड। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि मर्सीसाइड डर्बी था और ये कोई एमी फालतू सा कोई डर्बी नहीं है। 2016 से लिवरपूल हैजंट वन एट गुडिसन पार्क, तो तब से लेके अब तक ये पहला विन रहा है हमारा एट गुडिसन पार्क एंड लाइक आई मेंशन इन माई वीडियो ऑल्सो दैट द एटमोसफियर वॉज बॉइलिंग। तो जैसे भी फॉर्म में एवर्टन हैज बीन प्लेइंग इन द प्रीवियस वीक्स, दिस मैच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट मैच फॉर लिवरपूल टू गो एंड विन एट देयर होम टर्फ। सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है कि इस फिक्स्चर ने सबसे ज्यादा रेड कार्ड्स देखे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग, तो ये काफी सीरियस फिक्स्चर है, तो हो ही नहीं सकता कि इट वॉज एन ईजी विन फॉर जर्गन क्लॉप। दैट्स व्हाई आई फील द वे जर्गन क्लॉप लाइंड अप द टीम एंड द वे लिवरपूल प्लेड, क्लॉप डिजर्व्स ऑल द प्रेज फॉर इट। बट कम ऑन, एक बात तो डेफिनेटली है, आई विल अंडरस्टैंड इफ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड यू वॉन्ट टू गिव द अवार्ड्स टू डिफरेंट पीपल, आई वुड अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली, बिकॉज सबके चॉइसेस सबके ओपिनियन सेम नहीं हो सकते एंड आई रिस्पेक्ट दैट। सो आई होप यू रिस्पेक्ट माई ओपिनियंस ऑन इट, बट डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट बिलो कि हर कैटेगरी के लिए तुम किसको वो अवार्ड देना चाहोगे। द मोटिव वॉज टू कवर ऑल द प्रीमियर लीग मोमेंट्स दैट हैपेंड इन दिस मैच वीक 14 इन अ फन वे। I hope you liked it. Please comment below if you did. That is it from me today. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.